जी डियर स्टूडेंट, आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर की मदद से लंबाई और डायमीटर की पमैश करके ठोस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करें, यानी कि टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर। आपको धातु सिलेंडर दिया जाएगा, वर्नियर कैलिपर दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए इस ठोस सिलेंडर का डायमीटर मालूम करें, लेंथ मालूम करें और इन दोनों की मदद से फिर आप वॉल्यूम मालूम करें। तो आइए चलते हैं, मालूम करके देखते हैं। सामान में हमें दो चीजें चाहिए, वर्नियर कैलिपर और ठोस सिलेंडर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर क्या है। ये बेसिकली एक पमैशी आला है जो एक मिलीमीटर के दसवें हिस्से तक दुरुस्त पमैश करके देता है। अब इसकी कुछ शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर करता चलूं। जब भी हम किसी शय का डायमीटर, वॉल्यूम या लेंथ मालूम करनी हो तो हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। कैसे मालूम करते हैं? मेन स्केल पर छोटे से छोटा जो दर्जा होगा उसको तकसीम करेंगे वर्नियर स्केल के कुल दर्जों की तादाद पर। अब मेन स्केल पर जो सबसे छोटा दर्जा होता है वो एक मिलीमीटर का होता है, वर्नियर स्केल के ऊपर कुल दर्जों की तादाद 10 होती है। तो ये हमारे पास 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आएगा और अगर इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा आपके पास। जीरो एरर, जीरो एरर क्या होती है? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो आला है, वर्नियर कैलिपर है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें जीरो एरर नहीं है। और अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो तो दोनों ही केस में उस आले में जीरो के जीरो एरर मौजूद होगा। उसकी बाद में आप जीरो करेक्शन करेंगे, फिर वो दुरुस्त वैल्यू के अंदर आप ऐड करेंगे जो आपका आंसर आएगा, तो इस तरीके से अमल करेंगे। उसके बाद जीरो करेक्शन है। अगर आले में जीरो एरर है तो जीरो करेक्शन होगी, अगर आले में जीरो एरर नहीं है तो जीरो करेक्शन भी नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की तरफ। अगर देखें तो हमें वर्नियर कैलिपर जो है इसके दो स्केल नजर आएंगे। एक आपको ये वाला मेन स्केल सदर पे माना या मेन स्केल जिसे कहते हैं, और इसके ऊपर हरकत करने वाला एक और स्केल है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर छोटा सा एक पेज लगा होता है जिसको हरकत देकर हम इसकी हरकत को, यानी वर्नियर स्केल के आगे पीछे जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। इसके इसके दो जबड़े हैं, एक ये मेन स्केल के साथ जो छोटा जबड़ा है और दूसरा जो वर्नियर स्केल के साथ है ये बड़ा जबड़ा है। इसको ए बी का आप नाम भी दे सकते हैं। ये जबड़ा आपका इसका ए है, ये बी है, यानी बड़ा जबड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से रीडिंग लेंगे अपने धातु सिलेंडर जिसका हमने वॉल्यूम और डायमीटर और लंबाई मालूम करनी है। तो उसके लिए आपने पहले इस तरह एक ऑब्जर्वेशन वाला टेबल ड्रॉ करना है जिसमें दो चीजें आपने मालूम की होगी। यहां पे पहले करनी है लंबाई और डायमीटर, इनकी मदद से आगे हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो रीडिंग लेने का तरीकाकार लंबाई और डायमीटर के केस में सेम है। पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, वर्नियर स्केल का वो दर्जा जो मेन स्केल के दर्जे पर मुंतबिक हो, यानी कोइंसाइड करेगा, वो रीडिंग लेनी। ये दो रीडिंग ही असल में अहम है यहाँ पे। अगर ये दो रीडिंग लेनी आपको आती है, ये पूरा टेबल ड्रा करना बहुत आसान है। मैं भी आपके सामने करूंगा और आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसको सीखने के फौरी बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद रीडिंग लेंगे। उसके बाद ये जमा होने वाला फ्रैक्शन एक्स हम मालूम करेंगे, एन जरब लीस्ट काउंट। उसके बाद वाई, यानी मुशाहदाती जो वैल्यू आएगी हमारी, जिसमें एम मेन स्केल वाली रीडिंग है प्लस ये जो जमा होने वाला फ्रैक्शन है, इनको प्लस करेंगे। उसके बाद दुरुस्त शुदा वैल्यू हम निकालेंगे और डी बराबर वाई जमा जीरो करेक्शन, y यहां पे मुशाहदाती वैल्यू है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैंने आपसे पहले ये टेबल ड्रा किया है, ये रीडिंग खुद मैंने नोट की है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले मैं बता देता हूं कैसे नोट करनी है आपने।
आपने जब मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है, आपके हाथ में सबसे पहले तो ये वर्नियर स्केल होना चाहिए। ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि ये इसका मेन स्केल है, ये इसका वर्नियर स्केल है, इसको आगे पीछे मूव देंगे ये हरकत करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दहाती सिलेंडर लेना है। पहले हम लंबाई मालूम करते हैं, तो इसको दोनों जबड़ों के दरमियान में ऐसे रखना है और ऊपर से आपने इसको टाइट कर देना है पेच की मदद से। अब ये इसके अंदर दहाती सिलेंडर जो है वो दोनों जबड़ों के दरमियान फिक्स हो चुका है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर। अब इसकी मैं रीडिंग लूंगा मेन स्केल से। अब रीडिंग लेने के लिए अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जीरो से एक और ये दो है, दो से पहले यहां पे ये तकरीबन आ रहा है मेरे पास 1.9 तक आ रहा है। ये रीडिंग आपको नजर नहीं आ रही, मैं भी आपको दिखाता हूं। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं ये मेन स्केल को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वर्नियर का ज़ीरो जो है वो यहाँ पे इस दर्जे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ से ज़ीरो से ये एक, ये दो है, दो से पीछे ये नौ आता है, तो 1.9 आ गया है मेन स्केल रीडिंग। आप ये गौर से देख लीजिए, ये वाले 1.9 है वो मेन स्केल एम में हमने, मैंने 1.9 लिखा है। अब देखिए सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि सर्कुलर स्केल का कोई एक दर्जा जो मेन स्केल के किसी भी दर्जे के साथ कोइंसाइड करे वो नोट करना है। अब ये गौर से देखिए ये भी, तो आप देखेंगे कि ये आपको 0, 1, ये दो, ये वाला पॉइंट, ये जो दूसरी लाइन है ये वाली वर्नियर की, वो मेन स्केल के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। तो अब ये वर्नियर स्केल का वो दर्जा है जो मेन स्केल के दर्जे पर मुंतबिक यानी कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे इस तरह हम रीडिंग लेते हैं। अब मैं दर्ज करूंगा, आपको दिखाऊंगा वहां पे टेबल में। इसके बाद इसी तरीके से डायमीटर की रीडिंग जो है वो आपने लेनी है। जी डियर स्टूडेंट, अब आप देखें यहाँ पे मैंने जो 1.9 लिखा था ये मेन पॉइंट मेन स्केल रीडिंग है, और ये वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल के दर्जे पर मुंतबिक हुआ वो हमने अभी देखा है 2, ये एन वैल्यू है। अब यहाँ पे जमा होने वाला फ्रैक्शन मालूम करेंगे एन जरब लीस्ट काउंट। एन अभी हमने 2 मालूम किया, लीस्ट काउंट अभी शुरू में हमने देखा था 0.01 सेंटीमीटर है। दोनों को आपस में जरब देंगे तो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अब मुशहदाती वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि जो आपने वैल्यू निकालनी है लंबाई की, तो y बराबर m जमा x है। m जो है मेन स्केल रीडिंग हमारी आएगी 1.9 ये वाली। उसके बाद x वैल्यू भी हमने निकाली 0.02, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.92 वैल्यू आएगी सेंटीमीटर। अब हम दुरुस्त वैल्यू निकालेंगे, दुरुस्तता वैल्यू b बराबर y जमा ये जो हमारे पास अभी हमने लिया था जीरो करेक्शन, इसको प्लस करेंगे तो ये फर्स्ट 3 दफा क्योंकि हमने रिपीट करनी है, L1 होगी 1.9 प्लस 0 करेक्शन हमने शुरू में देखा था ये 0 ही है, इसमें कोई 0 एरर नहीं है, तो ये जमा किया तो 1.92 सेंटीमीटर ये इसका दुरुस्तशुदा वैल्यू इसकी है। अब ये क्योंकि वर्नियर भी यही है, धाती सिलेंडर भी यही है, 3 दफा आप रीडिंग लेंगे तो जाहिर है 1.9 ही आएगी और ये 2 ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए मैंने इन तीनों की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं सेम लिखी है। L1 पहली दफा जो दुरुस्त रीडिंग है, दूसरी दफा, तीसरी दफा 1.92 है, ये हमारा दुरुस्त वैल्यू हमारी लंबाई की। तो यहां पे मैं लिख दूंगा यहां पे सिलेंडर की औसत लंबाई L1 जमा L2 जमा L3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आई है 1.92 सेंटीमीटर, जाहिर है वही रहेगी। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास धाती सिलेंडर इसका डायमीटर मालूम करूंगा, तो डायमीटर मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा पेज को थोड़ा सा यहां से ढीला करूंगा और इसको इस साइड से रखूंगा डायमीटर वाली साइड, यानी कि मोटाई वाली साइड से, और ऊपर से फिर पेज को दोबारा थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। अब आपने फिर दोबारा देख रहा है कि मेन स्केल की क्या रीडिंग है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस वक्त मुझे जो मेन स्केल की रीडिंग नजर आ रही है वो है 0.7, यानी कि 0.7, और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग नजर आ रही है वो है 4। आइए मैं अब आपको दिखाता हूं। जी डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग सामने है। अब हमने देखना है कि मेन स्केल के ऊपर
कौन सा दर्जा है जो इस जीरो को टच कर रहा है या जीरो जो जिसके सामने हो, तो आप देखें ये वाला दर्जा है, ये वाला 0.7 से थोड़ा सा आगे, अगर आप थोड़ा सा और देखें ये कितना आगे है, अभी हम देखते हैं इसको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के बाद, वो जब इसमें प्लस करेंगे 0.7 है, ये देखिए 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7, उसके बाद 0.89 और 1 आ रहा है, तो ये 0.7 है। अब आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा दर्जा मेन स्केल के किसी दर्जे के साथ टच हो रहा है, तो ये भी आप गौर से अगर देखें तो ये देखिएगा, ये 4 नंबर, ये चौथा, ये वाला चौथा है। तो ये दो रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने ले लिया, मैं ये दोनों रीडिंग वहाँ पे पुट करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये जो डायमीटर आया है, डायमीटर के लिए हमने मेन स्केल रीडिंग चेक की है वो 0.7 है, और जो वर्नियर स्केल का दर्जा है जो मेन स्केल के दर्जे के साथ कोइंसाइड किया वो 4 है। अब इनमें क्या करेंगे हम, इस पहले की तरह एन इज लीस्ट काउंट, एन हमारा 4 है, लीस्ट काउंट 0.01 था, ये 0.04 आएगा हमारा जमा होने वाला फ्रैक्शन यानी एक्स की वैल्यू। अब मुशाहदाती वैल्यू यहां से निकालेंगे, यानी कि वाई बराबर एम जमा एक्स, वाई जो अभी हमारे पास वाई की कीमत निकालने के लिए, एम कितना आया हमारे पास, अभी आपने पीछे देखा है मैं इसके रीडिंग वाला 0.7 प्लस इसमें करेंगे एक्स, अभी आपने निकाला है ये वाला 0.04, इन दोनों प्लस करेंगे तो 0.74 आंसर आएगा सेंटीमीटर में। अब अगर दुरुस्त जो वैल्यू निकालनी है आपने डायमीटर की, तो वो कैसे निकालेंगे, वाई जमा जीरो करेक्शन, वाई अभी हमने ये निकाली है मुशाहदे आती वैल्यू जो 0.74 है, प्लस जीरो करेक्शन हमारी क्योंकि जीरो एरर नहीं थी, ये भी जीरो पुट किया, तो ये 0.74 आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह, क्योंकि इसके लिए भी सेम वर्नियर कैलिपर है और सेम धाती सिलेंडर है, तो तीनों दफा वैल्यू मेन स्केल के भी वही आएगी और वर्नियर स्केल का जो दर्जा है जो मेन स्केल के दर्जे से मैच करेगा, कंसाइड करेगा, वो भी वही होगा। तो इसलिए ये तीनों वैल्यू मैंने सेम लिखी है, आप देख सकते हैं 0.74, 0.74, 0.74। अब आप यहाँ पे इसका जो अभी आपने ये डायमीटर निकाला है, यहाँ लिखेंगे सिलेंडर का औसत डायमीटर D1 plus D2 plus D3 divided by 3, ये है D1, 1, D2, D3, तीनों वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0.74, यानी कि यही एट द एंड आपके पास औसत डायमीटर आएगा। अब हम मालूम करना चाहते हैं क्योंकि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारे पास है V बराबर पाई आर स्केर एल। अब हमारे पास आर नहीं है, रेडियस नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिलेंडर का रेडियस पहले मालूम करते हैं। रेडियस होता है हाफ डायमीटर d/2। अब हमारे पास जो डायमीटर वो है 0.74 सेंटीमीटर, इसको तकसीम करेंगे 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास 0.37 सेंटीमीटर जो है ये आ गया है सिलेंडर का रेडियस। उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करते हैं पाई आर स्क्वायर एल फार्मूला लगा के, पाई की वैल्यू को पता 3.14 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 जो कि रेडियस है इसका स्केयर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ जो अभी हमें मालूम की है 1.92 सेंटीमीटर, इन सबको जरब देंगे तो 0.82 सेंटी क्यूबिक मीटर आंसर आएगा, यानी कि वॉल्यूम आएगा। तो एंड पे हम नतीजा निकालेंगे कि ठोस सिलेंडर का वॉल्यूम 0.82 सेंटी क्यूबिक मीटर है। तो ये तरीकाकार है जिसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से किसी भी धाती सिलेंडर जो मर्जी जिस मर्जी साइज का हो या बॉल हो उसका हम डायमीटर, वॉल्यूम, उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ अशिया की मोटाई, डायमीटर या वॉल्यूम या लेंथ मालूम कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आप अब इस वीडियो को देखकर इससे फायदा उठाएंगे, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस डेमोंस्ट्रेशन को सीख सकें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पुट करें। अगर आपको सबका वीडियो नहीं वसूल हुई प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री, बायो की, तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब की ऑप्शन है, बटन है, उसको दबा दें या बेल आइकन का बटन है ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए और सबका वीडियो जितनी मैं बना चुका हूं वो भी आप तक पहुंच जाए। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा
जो इतने प्यार और मोहब्बत के साथ इन वीडियोस को देखते हैं और अपनी पॉजिटिव राय और फीडबैक से हम किनार करते हैं, तो आप सबके प्यार का, चाहतों का, मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।